बिहार में हुए बालू खनन घोटाले की जांच की आंच अब धनबाद भी आ चुकी है। इससे पूर्व में भी धनबाद में कुछ बालू कारोबारियों के ऊपर रेड की घटना हुई थी, उनके आवासों पर छापेमारी हुई थी और आज एक बार फिर से अभी धनबाद के चनचनी कॉलोनी में छापेमारी चल रही है ईडी की। आज सुबह से ही ईडी यहाँ पर रेस है और बता दें कि पूर्व में जो बिहार में खनन घोटाला हुआ था, बालू खनन घोटाला, उसमें कुल कई लोगों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी और उसके बाद से लगातार बालू खनन घोटाले मामले में बालू खनन टीम से जुड़ी ब्राइटसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड व और मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी जो है वह जांच के दायरे में थी और इसी के तहत जो कारोबारी सुरेंद्र जिंदल है और मिथिलेश सिंह, इन दोनों के आवास में आज छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। अभी चनचनी कॉलोनी का आप यहां नज़ारा देख रहे हैं जहां पर कि अंदर में CISF के जवान दिख रहे हैं और अंदर जाने की इजाज़त मीडिया कर्मियों को नहीं दी गई है। और पूर्व में इसी बालू खनन घोटाले के मामले में जो झारखंड के बड़े शराब कारोबारी और बिहार में बालू कारोबारी रहे जगत नारायण सिंह और जगन सिंह और उनके बेटे जो हैं फिलहाल उस ईडी के रडार पर थे और उसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था, कुछ दिन जेल में भी रहे, संभवतः वो अभी भी जेल में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद ईडी की जांच का दायरा जो है वह और बड़ा है और वह जांच का दायरा बढ़ने के बाद यह जो कार्रवाई है वो और अधिक तेज हुई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के बाद खासकर जब बड़े कारोबारी धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में आलोक ग्रुप भी इन दिनों चर्चा में है और वहां पर भी जो उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक कारोबारी और का और नाम आता है जो पूज सिंह है, इन तमाम लोगों का कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट हुआ था आलोकिक ग्रुप में, वहाँ पर कुछ फ्लैट्स वगैरह बुक कराए गए थे और वहाँ पर शराब घोटाले से जुड़ी और बालू घोटाले से जुड़ी पैसे को इस्तेमाल किया गया था। तो उन तमाम चीज़ों पर जांच का जो दायरा था वो ईडी ने उसे तेज किया और उसके बाद आज जो कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है कि मिथिलेश सिंह को बाहर से ही हिरासत में ले लिया गया है और उनके आवास में जो छापेमारी की प्रक्रिया है वह चल रही है। लेकिन अंदर जाने की इजाज़त किसी मीडियाकर्मी को नहीं है, अंदर CISF के जवान जो है वो नहीं जाने दे रहा है। तासा अपार्टमेंट है इसके बगल में और यहाँ पर चनचनी कॉलोनी, दोनों ही जगहों पर मीडियाकर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अपडेट होगा उसे अपने गंतव्य तक पहुँचाएँ और हम बता दें कि इस कार्रवाई में एक बड़े खुलासे की भी उम्मीद की जा सकती है। सहयोगी मुद्दा के साथ राजकुमार जायसवाल ने 22 स्कोर धनबाद। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।